हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है कैट की, और जो लोग आईपीएमएट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी। और हाँ, अभी भी वक्त है, अगर आपको हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो। उसमें आपको डिटेल में हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत बेसिक टू हाई लेवल की थ्योरी मिलेगी। और वापस से मैं बोल दूँ कि आपने कहीं भी इतनी थ्योरी नहीं पढ़ी होगी जितनी आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगी। ठीक, खैर आज हम लोग कैट 2018 का 8th सेट करेंगे LRDI का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, हम बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन भी देखिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्यूल कंटामिनेशन लेवल्स एट ईच ऑफ 20 पेट्रोल पंप्स P1 P2 अप टू P20 वर रिकॉर्डेड एज इधर हाई, मीडियम और लो। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया इन्होंने, हाई, मीडियम और लो। फर्स्ट पॉइंट अब क्या लिखा हुआ है? कंटामिनेशन लेवल एट थ्री पेट्रोल पंप्स अमंग P1 टू P5 वर रिकॉर्डेड एज हाई। P1 से P5 में तीन का क्या है? हाई है। P6 वॉज द ओनली पेट्रोल पंप अमंग P1 टू P10 वेयर द कंटामिनेशन लेवल वॉज रिकॉर्डेड एज लो, है ना। P1 से P10 में P6 का लो है। P7 एंड 8 वर ओनली टू कंसेक्यूटिव नंबर पेट्रोल पंप वर द सेम लेवल ऑफ कंटामिनेशन वर रिकॉर्डेड। ठीक है, सिर्फ दो ही कंसेक्यूटिव P7 और P8 हैं जिनका सेम है। हाई कंटामिनेशन लेवल वर नॉट रिकॉर्डेड एट एनी ऑफ द पंप्स P16 टू P20। P16 से 20 में किसी का भी हाई नहीं है कंटामिनेशन लेवल। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पंप्स वर हाई कंटामिनेशन लेवल वर रिकॉर्डेड वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ पंप्स वेयर कंटामिनेशन लेवल वर रिकॉर्डेड लो। ठीक, तो ये पांच पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पॉज करके इन सब क्वेश्चन के आंसर खुद से निकालिएगा, उसके बाद अब आप मेरे सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं इसको। पांच पॉइंट याद रखने हैं मुझे। तो सबसे पहले तो P1 से P20 तक की बात करनी है। तो क्या होना चाहिए? P1, P2, P3, कोशिश करते हैं कि एक ही स्क्रीन में सब आ जाए। P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10। ये बहुत स्पीड में आप अपने रजिस्टर पे बना लीजिएगा। P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 और P20। इन पूरे 20 के 20 पेट्रोल पंप्स का कंटामिनेशन लेवल जो होगा क्या होगा? हाई, मीडियम या लो। कोशिश करता हूँ मैं एक ही स्क्रीन पे मैं इसको बना लूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए। कि देखिए, मैंने इसको एक स्क्रीन पे कर लिया। ठीक, कुछ मैं केस बनाने के लिए इधर लाइन से डिवाइड कर लूं ताकि बाद में मुझे कोई भी दिक्कत ना जाए। आप लोग भी इसे डिवाइड करना हो कर लेना। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, लेकिन हाँ, कैट में ये क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, कैट में 5-1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे इस क्वेश्चन में।
ठीक, एक आखिरी, चलो अच्छा नहीं खींच रहे, इतने में ही देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में ऑनलाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या था। P1 से P5 में 3 का हाई है ना। अब ध्यान से देखो P1 से P5 में कितनों का हाई है, 3 का हाई है कंटामिनेशन लेवल, P1 टू P5 3 का अगर हाई है, और कोई भी दो कंसेक्यूटिव सेम नहीं है, सिर्फ सेम कौन कौन से हैं याद रखना, P7 और P8 है ना, सेम लेवल है इनका, P7 और P8 का सिर्फ दो ही कंसेक्यूटिव यही है, और P1 से P10 तक में सिर्फ एक ही का लो है, वो है P6। तो P6 के जितने भी कंडीशन बनेंगे सबका लो ही रहेगा, तो आगे जितने भी और बनेंगे सब में लो 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 ही अपन को लिखना है, ठीक है। तो P6 के आगे तो लो लिख दिया। अब P1 से P5 में ध्यान से देखना, 3 का अगर हाई है और कोई भी दो कंसेक्यूटिव सेम तो होंगे नहीं, तो हाई P1 P3 और P5 का ही होगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। तो हम जितने भी आगे केस बनाने वाले हैं उन सब में ये यूनिक कंडीशंस हैं, तो यूनिक जितनी भी हैं वो हम अभी से बना लें, है ना, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब और भी चीज सोच लो, है ना, ताकि जो आराम से हो रहा है पहले वो वाला काम कर लेना चाहिए। अब P1 से P10 में उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही का लो है, सेकंड पॉइंट में लिखा था P6 ओनली पेट्रोल पंप अमंग P1 टू P10 वेयर द कंटामिनेशन लेवल वर वाज रिकॉर्डेड एज लो, ठीक। तो अगर P1 से P10 में सिर्फ एक ही लो है तो इसका क्या मतलब हुआ, P2 और P4 क्या होंगे, मीडियम होंगे, ये भी सबका सेम रहेगा, तो इधर भी जितने भी हम केस बनाएंगे सब में मिनिमम लिख ही देंगे, है ना। हो सकता है इतने केस ना बने, लेकिन अब लिख रहे हैं तो हम लिख लेते हैं, ठीक। P7 हाई मीडियम में कुछ भी हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकते हैं, तो अभी इन पे ध्यान ना दिया जाए, ठीक। और क्या था, P7 और 8 का जो है कंसेक्यूटिव उनका लेवल सेम है, तो जो भी P7 और 8 रहेगा इनका मुझे सेम रखना है, तो इन दोनों के आगे ऐसा कुछ राइट लगा लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि P7 और P8 का सेम रखना है, ठीक। और क्या पॉइंट दिया हुआ था, फोर्थ पॉइंट, हाई 16 से 20 का किसी का भी हाई नहीं है। तो अब देखो 16 से 20 अगर बात करूं तो किसी का हाई नहीं है, इसका मतलब क्या, या तो लो होगा या मीडियम होगा। तो अगर पहला वाला मैं लो लेता हूं, है ना, तो फिर अगला मीडियम, फिर अगला लो, फिर अगला मीडियम, अगला लो, ऐसा लेना पड़ेगा। या मैं क्या ले सकता हूं, मीडियम लो, मीडियम लो, मीडियम, इस टाइप की दो कंडीशन बनेंगी, है ना, क्योंकि हाई तो देना ही नहीं है इनमें, है ना, चीज समझ में आ गई। या इधर भी लो, मीडियम, चार बनाए तो अब मैं इसी हिसाब से बना लेता हूं, है ना, अल्टरनेट ही रहेंगे, क्योंकि दो भी अब किसी भी दो का लगातार सेम नहीं हो सकता, सिर्फ P7 और P8 का। अब मेन पॉइंट था इनका पॉइंट नंबर 5, जिससे हम क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से क्रैक करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पंप्स वेयर हाई कंटामिनेशन लेवल वर रिकॉर्डेड वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ पंप्स वेयर लो कंटामिनेशन लेवल वॉज रिकॉर्डेड, ठीक। मतलब हाई जो है ये ट्वाइस किसके है, लो के। अब ध्यान से देखना, इधर मैं आपको समझाता हूं, इधर लिखता हूं लो, हाई, मीडियम। अगर देखो लो की वैल्यू 1 हो गई तो हाई कितना होगा 2, और मीडियम 2+1=3, टोटल 20 थे तो ये कितने आ जाएंगे 17। इसे ये 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 4, 4+2=6, 14+6=20, ये 3 होगा तो ये क्या होगा 6, 6+3=9, 11 और 9=20, ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा 8, 4, 8=12, 4, 8=20, ये 5 तो ये 10, 15, ये बचा 5, ये 6 तो ये 12, 12+6=18, बचा 2, ये 7 तो ये 14, पॉसिबल ही नहीं, टोटल इतने केस है। अब ध्यान देना, ऊपर इन्होंने कहा था किसी भी दो कंसेक्यूटिव पेट्रोल पंप का जो है क्या कंटामिनेशन लेवल वो सेम नहीं हो सकता,
ठीक है, सिर्फ 7 और 8 को छोड़ के। मतलब कोई भी पेट्रोल पंप लो मीडियम हाई की बात करें, ये 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता इंडिविजुअल। तो देखो अब पॉइंट काटते दो, इसमें मीडियम 17 है पॉसिबल ही नहीं, इसमें मीडियम 14 है पॉसिबल ही नहीं, थर्ड में मीडियम 11 है पॉसिबल ही नहीं, ये 488 वाला एक पॉसिबल लग रहा है, बाकी 5, 10 और 5 ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि आखिरी के जो 16 से 20 थे इसमें तो हाई है ही नहीं, है ना। हाई तभी 10 पॉसिबल थे जब अल्टरनेट हाई होते, तो ये भी पॉसिबल नहीं, और ये 12 हाई हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, 4, 8 और 8। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, लो पेट्रोल पंप कितने होंगे, लो कंटामिनेशन लेवल वाले 4, लो वाले कितने होंगे 4, मीडियम कितने होंगे 8 और हाई कितने होंगे 8। ये यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है वो अभी आप थोड़ी देर से देख लेना, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहला हमारा जो काम था उससे हमें क्या पता चल जाएगा, लो कितने 4, मीडियम 8 और हाई भी 8। अब देखो, अब पूरा काम हमें इसमें करना है। ठीक, अब लो वाले पे ध्यान दें, जिनमें मैंने ये वाला केस बनाया हुआ है। अब मैं ब्लू से करता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो मैंने फर्स्ट कॉलम जो मेरा ये ब्लू और ये ब्लू, इसमें ऑलरेडी 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4 चार लो आ चुके हैं, है ना, चार लो आ चुके हैं। मतलब अब मुझे कोई भी लो नहीं रखना है, सिर्फ मीडियम और हाई रखना है। क्लियर। अब हाई में भी एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 7 और 8 में सेम रखना है, इस पर पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये मीडियम रहेगा कि हाई रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, किसी भी केस में देखो, मीडियम जो अभी है ऊपर 3 तो आई चुके, हाई ऊपर 3 तो आई चुके। अब हाई की बात करता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे और यहाँ पे हाई नहीं देता हूँ, ठीक, और मैं यहाँ पे हाई दे देता हूँ, तो ये 4th हाई रहेगा, है ना, ऊपर 3 आ चुके थे, ये 4th, एक छोड़ के 5, एक छोड़ के 6, एक छोड़ के 7। ठीक, तो ये जो P7 और P8 की वैल्यू थी, अगर मैं इन दोनों को हाई नहीं देता, मीडियम दे देता, तो टोटल हाई मेरे 8 हो ही नहीं पाएंगे, है ना। देख लो, तुरंत बाद भी अगर मैंने हाई दे दिया, फिर एक एक छोड़ के तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव हो सकता है कंसेक्यूटिव 7 और 8 के अलावा हो नहीं सकता। तो देखो, 3 हाई ऊपर थे 1 से लेके 5 तक में, फिर 4, 5, 6, 7, 7 से ज़्यादा हाई हो ही नहीं पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब ये जो P7 और P8 की वैल्यू थी, ये मुझे हाई देनी ही पड़ेगी, चाहे मैं नीचे ऊपर कोई सा भी केस लूँ। तो P7 और P8 हमेशा क्या होगा, हाई होगा, ये याद रखना। तो जितने भी आपने केस बनाए उन सब में P7 और P8 क्या कर दो, हाई 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 कर दो। जिस सन में आ गई, अगर P7 और P8 हाई हो गए जितने भी केस थे, तो हाई कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हाई हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक, अब P9 हाई दे नहीं सकता क्योंकि सेम हो जाएगा, लो दे नहीं सकता क्योंकि P10 तक सिर्फ एक ही लो था जो कि P6 में था। तो P9 मुझे ऑटोमेटिक क्या देना पड़ेगा, मीडियम सभी में। P9 मुझे सभी में क्या देना पड़ेगा, मीडियम देना पड़ेगा। ठीक, और P10 वापस से मैं मीडियम दे नहीं सकता, कारण आपको पता ही है, और लो दे नहीं सकता, कारण आपको पता ही है, क्योंकि P1 से P10 में सिर्फ एक ही लो था P6। तो P10 मुझे क्या देना पड़ेगा, हाई। तो हाई कितने हो गए, अब मेरे पास 6 हाई हो गए, है ना। अभी P10 तक क्या हो गए, 6 हाई हो गए। अब 7th यहाँ पे, 8 यहाँ पे, या और भी कंडीशन बन सकती है, लेकिन P10 तक तो अभी मैं एकदम श्योर हूँ कि P10 वाला तो हाई होगा ही होगा, और P9 वाला मीडियम होगा ही होगा, P7 और 8 भी सेम। ये एकदम डेफिनेट केस जो बन रहे हैं अभी, हम वो बना रहे हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, मैंने ये जो डायग्राम में नीचे ब्लू करके रखा है, लो के तो हो ही चुके हैं केस, है ना, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में। अब पहले इन दोनों को ही कंप्लीट करता हूँ पूरा ब्लू कलर से ही। अब क्या है, अगर लो 4 हो चुके हैं तो मीडियम और हाई ही बचा था,
दोनों 8-8 देना था। तो अब ये P11 से P15 जो है इनमें मैं लो तो दे नहीं सकता, ये जो जिनमें मैंने ब्लू ब्लू मार्क किया था इनमें से मीडियम और हाई देना पड़ेगा। तो इधर मीडियम दे दो, इधर हाई, इधर मीडियम, इधर हाई, इधर मीडियम, कितने हाई हो गए, 6 हो गए थे, 7-8 वो मीडियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। और ये भी वही कंडीशन हो जाएगी, तो इसमें जबरन एक ही चीज को दो दो बार हम क्यों लिखें, तो है ना थर्ड कॉलम को लिखने की जरूरत नहीं है। लो मीडियम, लो मीडियम, लो का तो एक ही केस बनेगा, ठीक है, तो दूसरा केस बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप अगर चाहो तो इग्नोर कर दो, ठीक, इसको मैं आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको ये गंदा सा ना दिखे। तो लो मीडियम, लो मीडियम वाला तो एक ही केस था। अब दूसरे केस पे मैं सोच लेता हूं जिसमें मीडियम लो, मीडियम लो, मीडियम था 16 से 20 वाला ना, बहुत ध्यान से समझना, यही है असली एलआर, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से पहले सेकंड कॉलम फिल करता हूं। अच्छा P11, अच्छा हाई 6 हो गए है ना, अब P11 मीडियम कितने हैं, 1, 2, 3, अब एक लो में उड़ दे सकता हूँ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लो दे दूँ, ठीक है, यहाँ पे मीडियम दे दूँ, तो यहाँ पे हाई, यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे हाई दे सकता हूँ। तो हाई देखो कितने हो गए, 6 तो यहाँ तक आई गए थे, 7 और 8, मीडियम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मीडियम भी 8 हो गए, लो 4 ही है। ये कंडीशन एक सही बनी, तो एक ये कंडीशन बन सकती है। अगर यहाँ पे मैं लो रहने दूँ, यहाँ पे हाई दे दूँ, तो अब यहाँ पे मीडियम देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मीडियम, तो यहाँ पे हाई और यहाँ पे फिर मीडियम, लेकिन ये केस में नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये दो लगातार मीडियम हो जाएंगे। तो लो का तो सिर्फ एक ही केस बना सकता था, लो मीडियम हाई, मीडियम हाई का, लो हाई वाला केस नहीं बनेगा। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, सिर्फ एक ही केस पॉसिबल था वो मैंने बना दिया, तो लो तो अब मैं ऊपर नहीं लिख सकता, ठीक। अब भाई ये लो लिख नहीं सकता तो क्या लिखूंगा, अब मैं मीडियम ही लिखूंगा, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे मीडियम लिख दिया तो अब नीचे या तो लो या हाई लिख सकता हूँ, मान लो मैं हाई लिख देता हूँ है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, फिर से मीडियम लिख देता हूँ, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो लिख देता हूँ, ये एक पॉसिबल केस है ना। देखो लो 1, 2, 3 ऊपर एक 4, मीडियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हाई भी, ये भी एक पॉसिबल केस है ना। तो हाई के बाद ये एक मीडियम पॉसिबल था, यहाँ पे अगर मैं मीडियम लिखता हूँ, अभी इन्हीं के केस देखता हूँ, मीडियम के बाद इसमें मैंने हाई लिखा था है ना, अब मैं लो लिख देता हूँ, लो के बाद वापस से मैं मीडियम लिख देता हूँ, फिर हाई, अब मीडियम नहीं लिख सकता, वापस मीडियम आ जाएगा, तो ये केस नहीं पॉसिबल है, तो इसको हटा दो है ना। लो के बाद अब मैं हाई लिख के देखता हूँ, अब लो तो वापस लिख नहीं सकता, यहाँ पे मीडियम लिख सकता हूँ, यहाँ पे हाई लिख सकता हूँ, नीचे मीडियम, तो हाई देखो 8 फिर से हाई हो गए, मीडियम 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर 6, 7, 8 हो गए, ये भी एक पॉसिबल केस है ना, ये भी एक केस बन सकता था, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक। इतने केस आई थिंक सफिशियंट है, अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, जितने पॉसिबल थे बना लिए, अगर एक आध दो और बन सकते होंगे तो बाद में क्वेश्चन के थ्रू अपन समझ के कर लेंगे है ना, ज्यादा समय भी किसी क्वेश्चन में नहीं लगाना चाहिए। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, क्या बोल रहा है, P10 का हाई होगा, P10 तक तो देखो P10 तक तो हम श्योर थे इतना होगा ही होगा, तो P10 वो पहला बोल रहा हाई होगा, वो फिर होगा ही होगा, तो पहले का आंसर वन ही होगा, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कर लेते हैं। अब बोल रहा P13 का लो होगा,
P13 का देखो हमारा मीडियम भी आया है हाई भी आया है, तो P13 इनका गलत हो गया। P20 का बोल रहा है मीडियम होगा, P20 हम देखो लो भी ले चुके हैं मीडियम भी ले चुके हैं, तो ये भी गलत है। क्या बोल रहा है P12 का हाई होगा, P12 का देखो हम हाई मीडियम लो तीनों ही ले चुके हैं, तो सही क्या था ऑप्शन ए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट नंबर ऑफ पम्प विच कंटामिनेशन लेवल वर रिकॉर्डेड एज मीडियम। एग्जैक्टली एट, ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ते से ही निकाल लिया था, है ना, सेकंड का ए। थर्ड, इफ द कंटामिनेशन लेवल P11 लो है, अगर P11 अगर लो है, P11 अगर लो है, ये केस बन रहा है ये लो वाला, तो क्या पूछ रहा है, मस्ट बी ट्रू। P12 का बोल रहा है हाई है, P12 इस केस में तो मीडियम है, ये गलत हो गया। सेकंड पॉइंट, P14 का मीडियम है, ये सही है, P14 का मीडियम है। ठीक, थर्ड, P15 का मीडियम है, देख लो ये तो गलत हो गया, अपने हिसाब से हाई आ रहा है। फोर्थ, 18 का लो है, 18 का अपना मीडियम आ रहा है, मतलब सिर्फ एक ही सही था ऑप्शन बी वाला, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो सब एक एक सेकंड में हो रहे हैं। ठीक, अब P15 का बोल रहा है अगर मीडियम है ना, P15 बोल रहा क्या है, मीडियम, इसको अपन ग्रीन कलर से करेंगे, P15 मीडियम, ये तो एक ही केस में था फर्स्ट केस में, P15 मीडियम, तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, फॉल्स बताना है, याद रखना फॉल्स। पहला पॉइंट, 14 हायर है 15 से, देख लेते हैं पहले कॉलम में ही देखना, 14 हायर है 15 से, सही बोल रहा है, पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, 10 और 14 का सेम है, देख लो 10 का हाई 14 भी हाई, ये भी सही पॉइंट है, सेकंड भी सही है। थर्ड, 13 और 17 का सेम है, 13 का मीडियम 17 भी मीडियम, ये भी सही है, मतलब इसका आंसर डी होने वाला है, फिर भी उसको चेक कर लेते हैं, आंसर तो खैर लगा ही लो डी। ठीक, 11 और 16 का सेम है, देख लो फर्स्ट कॉलम में ही देखना, 11 का मीडियम 16 का लो, ये सेम नहीं था और फॉल्स ही बताना था, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, और बस आखिरी में आपसे यही कहूँगा कि मेरे पास काफ़ी मेल आते हैं कि अभी तक हमारे चैनल में उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए जितने हो जाने चाहिए बाकी चैनल के कंपैरिजन में, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल के वीडियो जितने शेयर कर सकते हैं कीजिए, बाकी जितने ग्रुप्स हैं उसमें सर्कुलेट कीजिए, ताकि ये आपका चैनल भी और ज़्यादा हिट हो जाए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।